नमस्कार दोस्तों, आज हम ऋषि बृहस्पति जी के बारे में जानेंगे। भगवान ब्रह्मा के 6 मानसिक पुत्रों में से अंगिरा ऋषि के 3 पुत्र हुए बृहस्पति जी, उत्थ्य और संवर्त। ब्रह्मा जी देवताओं के गुरु हुए। देवताओं में जो धार्मिकता है उसके कारण भगवान बृहस्पति जी ही है। ये देवताओं को सदा भगवान की भक्ति में लगाए रहते हैं और उनसे समस्त वैदिक कर्म विधिवत कराते हैं। जब जब देवताओं ने भगवान बृहस्पति जी के वचनों को नहीं माना या अभिमान किया, तब ही तब वे श्रीहीन हो गए। अंत में जब फिर देवता इनकी शरण गए तो इन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। ये संसार में सबसे अधिक नितिच और बुद्धिमान है। बृहस्पति जी की नीति सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक मानी जाती है। देवराज इंद्र ने एक बार अभिमान में आकर इनका अपमान किया। इस पर इन्होंने अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा, केवल स्वर्ग छोड़कर ये दूसरी जगह चले गए। इनके जाते ही स्वर्ग की समस्त स्त्री चली गई। सद्गुण और श्री तो भगवत भक्त के साथ ही रहती है। श्रीहीन स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होना ही चाहिए। इंद्र को अपने किए का पूरा फल मिला। वे मारे मारे अनाथ बने घूमते रहे। फिर जैसे तैसे विश्व रूप को पुरोहित बनाया, किंतु उनसे भला बृहस्पति जी के स्थान की पूर्ति कैसे हो सकती थी? उनका मात्र कुल असुर था, अतः वे छिपकर असुरों को भी यज्ञ भाग देने लगे। अंत में ब्रह्म हत्या का नया पाप इंद्र को करना पड़ा, जिससे ये बहुत ही दुखी हुए। गुरु की शरण गए और उन्होंने इन्हें सब पापों से छुड़ा दिया। इस प्रकार समस्त सुख भगवत भक्ति में ही है और इसी की शिक्षा देने वाले देवताओं के परम गुरु भगवान बृहस्पति जी है। धन्यवाद।